ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी इंजेक्शन के बारे में। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ये इंजेक्शन आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में प्रैक्टिस करने वालों के लिए ज़रूरी इंजेक्शन की जानकारी बिल्कुल ही आसान भाषा में दी गई है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है और फ्यूचर में आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली इंजेक्शन हमारी सेफ्ट्रिक जोन इंजेक्शन है, वहीं पे ये जोन नाम से आती है। बाकी आप देख सकते हैं कि इस पे आईपी लिखा हुआ है, यानी कि ये इंडियन फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे बनी हुई है। बाकी इसके यूज़ के बारे में बात करें, उपयोग के बारे में बात करें, तो टाइफाइड फीवर, तेज़ बुखार, लंग इन्फेक्शन, फेफड़े में संक्रमण होना, गोनोरिया, एब्डोमिनल सेपिस, यानी कि पेट में किसी भी प्रकार के संक्रमण हो जाने पर पेशेंट को हम जोन इंजेक्शन लगाते हैं। बाकी यहाँ पे इंजेक्शन के पैकेजिंग पर ही जो है वो लिखा हुआ रहेगा कि उसे आईएम देनी है या फिर से आईपी रूट देनी है। कौन सी रूट से देनी है वो इंजेक्शन के पैकेजिंग पर ही लिखा हुआ होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आईएम एंड आईवी लिखा हुआ है। तो आईएम का मतलब क्या होता है या फिर से आईवी का मतलब क्या होता है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और आपको ये चीज़ याद रखना है कि इंजेक्शन के पैकेजिंग पर ही लिखा हुआ मिल जाएगा कि कौन सी रूट से उस इंजेक्शन को लगानी है। देखिए, आईएम का मतलब होता है, सबसे पहले हम आई के बारे में जानते हैं, तो आई का मतलब होता है इंट्रा, और इंट्रा का हिंदी होता है अंदर। वहीं पे एम का मतलब होता है मंस्कुलर, और मंस्कुलर का हिंदी होता है मांसपेशिया। ठीक है, तो अगर किसी भी इंजेक्शन के पैकेजिंग पर आईएम लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये होता है कि उस इंजेक्शन को जो है वो मांसपेशियों में देनी है, मांसपेशियों के अंदर देनी है। वहीं पर आईवी लिखा हुआ है तो दोस्तों आई का मतलब होता है इंट्रा, और इंट्रा का हिंदी होता है अंदर। बाकी वी लिखा हुआ है तो वी का मतलब होता है वेंस, और वेंस का हिंदी होता है नस। तो आईवी अगर लिखा हुआ है तो उस इंजेक्शन को नस में देनी है। अगर यहाँ पर दोनों वर्ड एक ही साथ लिखा हुआ है इंजेक्शन के पैकेजिंग पे, जैसे कि जोन इंजेक्शन के पैकेजिंग पे दोनों चीज लिखी हुई है कि हम इसे आईएम भी लगा सकते हैं या आईवी भी लगा सकते हैं, तो दोस्तों जो है इस इंजेक्शन को मांसपेशियों में भी लगाया जाता है और फिर से नस में भी लगा सकते हैं। बाकी आपने यहाँ पे मेडिसिन के पैकेजिंग पे कुछ इस प्रकार का सैम्पल देखा होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आरएक्स लिखा हुआ है। तो आरएक्स का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों ये मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड मेडिसिन है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं लगानी है। ठीक है, या फिर से नहीं लगाया जाता है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करना है। बाकी फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंजेक्शन हमारी डाइक्लोफिनेक्स सोडियम इंजेक्शन है, और ये मार्केट में अलग अलग नाम से देखने के लिए मिल जाएगी। बात करें इसके यूज के बारे में, तो बोन एंड ज्वाइंट पेन, हड्डी एवं हड्डी के जोड़ों में दर्द होना, बॉडी पेन, मांसपेशियों में दर्द या फिर से शरीर में दर्द, किडनी स्टोन पेन, क्या होता है ना जब किसी भी व्यक्ति के किडनी में स्टोन हो जाती है, पत्थर हो जाती, तो उस कंडीशन में दर्द होती है, तो दर्द को ठीक करने के लिए, कम करने के लिए हम डाइक्लोफिनेक्स सोडियम इंजेक्शन पेशेंट को लगाते हैं। इंजरी पेन, इंजरी के कंडीशन में क्या होता है ना कि बॉडी के किसी भी पार्ट में इंजरी हो गई है, तो वहाँ पर इंजरी वाले पार्ट में दर्द होती है, तो उस दर्द को कम करने के लिए डाइक्लोफिनेक्स जो है वो लगाया जाता है। तो इन सभी दर्द को कम करने के लिए हम पेशेंट को डाइक्लोफिनेक्स लगाते हैं। फ्रेंड्स, वैसे इसके और भी कुछ यूज हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मसल पेन, मांसपेशियों में दर्द होना, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया ही, डेंटल पेन, दांत में दर्द होना, कमर दर्द होना, सर दर्द होना, तो इन सभी दर्द को ठीक करने के लिए जो है वो डाइक्लोफिनेक्स सोडियम इंजेक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं। बाकी चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले इंजेक्शन की तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर इंजेक्शन है, पेंटोप्राजोल इंजेक्शन। बाकी ये पेंटोसिड नाम से आती है, वहीं पर आप देख सकते हैं इस पर आई वी लिखा हुआ है। ठीक है, आई वी कहने का मतलब कि इंट्रावेंस, नस में सिर्फ और सिर्फ इस इंजेक्शन को लगानी है। बात करें इसके उपयोग के बारे में, तो एंटी अल्सर, पेट में किसी भी प्रकार की छाले हो गई है, अल्सर हो गई है,
तो उसे डिलीट करने के लिए, ठीक करने के लिए पेंटोप्राजोल लगाते हैं। गैस्ट्रिक एसिड, हमारे स्टमक में क्या होता है ना कि HCL की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, तो उस HCL के प्रोडक्शन को डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए जो है वो पेंटोप्राजोल हम लगाते हैं। इन शॉर्ट आप समझिए तो पेट में जो गैस बनती है ना, तो उसे कम करने के लिए पेंटोप्राजोल इंजेक्शन पेशेंट को लगाया जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले इंजेक्शन की तरफ। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो में कुछ भी समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके जरूर रख लीजिएगा। इससे हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है और फ्यूचर में ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। बाकी हमारी नेक्स्ट इंजेक्शन मल्टीविटामिन इंजेक्शन है और ये MVI नाम से आती है। बात करें इसके यूज़ के बारे में, तो विटामिन के कमी के कारण कमजोरी होना, थकान होना, वजन कम हो जाने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन ओंडेंसेट्रोन इंजेक्शन है और ये इमिसिट नाम से आती है, ठीक है। बात करें इसके यूज़ के बारे में, तो नौसिया, जी मिचलाना, वोमिटिंग, उल्टी होना, ठीक है, इन सभी में इसका यूज़ किया जाता है। और अब हम देख लेते हैं कि कौन से रूट से इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है फॉर IV and IM यूज़, ठीक है, मतलब कि इस इंजेक्शन को हम मांसपेशियों में भी लगा सकते हैं एवं नस में भी लगाया जाता है। दोस्तों, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर है, तो ऑफकोर्स आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा ताकि आपको लंबे समय तक याद रह सके, या फिर से कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। अगली इंजेक्शन ड्रोटावेरिन इंजेक्शन है और ये ड्रोटिन नाम से आती है। बात करें इसके उपयोग के बारे में, इस्तेमाल के बारे में, तो किडनी स्टोन पेन, किडनी में किसी भी व्यक्ति को पत्थर हो गई है तो उस दर्द को कम करने के लिए ड्रोटावेरिन इंजेक्शन लगाते हैं। मसल पेन, मांसपेशियों में दर्द, स्टमक पेन, पेट दर्द, मेंस्ट्रुअल पेन, पीरियड्स के दौरान होने वाला दर्द, बिलियरी स्टोन पेन, बिलियरी में पत्थर हो गई है, स्टोन हो गई है, तो उस दर्द को कम करने के लिए ड्रोटिन इंजेक्शन लगाया जाता है। तो दोस्तों, इन सभी दर्द को, पेन को कम करने के लिए जो है वो ड्रोटावेरिन इंजेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी बढ़ते हैं हमारे अगले इंजेक्शन की तरफ, जो कि दोस्तों काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है, डेक्सामिथासोन इंजेक्शन, और ये डेक्सोना नाम से मार्केट में आती है और इसका यूज़ एलर्जिक रिएक्शन में किया जाता है। खुजली, अस्थमा के कंडीशन में क्या होता है ना, सांसें फूलना, सांसें थमना, सांसें रुकना, तो उस कंडीशन में भी डेक्सामिथासोन इंजेक्शन लगाया जाता है। फिर से कीमोथेरेपी, उसके बाद नौसिया, जी मिचलाना, तो इन सभी में जो है वो हम डेक्सामिथासोन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये सभी इंजेक्शन्स थी जिनकी जानकारी प्रैक्टिशनर्स को अवश्य होनी चाहिए। बाकी मैंने और भी वीडियो जो है वो बना रखी जिसमें और भी इंजेक्शन्स को इंक्लूड कर रखा है, आप यहाँ पर चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में जितनी भी सारी मेडिसिंस की जानकारी दी गई है, उन सभी मेडिसिंस में से किसी भी दवा का इस्तेमाल खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही इस्तेमाल करना है। अगर आप खुद से किसी भी दवा का उपयोग करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आता है, साइड इफेक्ट आता है, तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। बाकी आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके जरूर रख लीजिएगा। इससे हमें काफी सारा मोटिवेशन भी मिलता है। और दोस्तों, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर से कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको लंबे समय तक याद रह सके। बाकी आपको कोई भी डिसीज पे पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट्स कर दीजिएगा। तो आज के इस नई वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।